जिस दिन जनता कर्फ्यू लगाया गया, शायद 23 मार्च 2020 का दिन था, उस दिन भारत में 381 केस थे और 7 लोगों की मृत्यु हुई थी। और आज भारत में 1,13,00,000 केस हैं। क्या इतना व्यापक लॉकडाउन करने की जरूरत थी? क्या जो माइक्रो कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज है, जिनको आज इस्तेमाल किया जा रहा है कि अगर कहीं पे COVID-19 का वायरस बढ़ता है तो वहां पे आप लॉकडाउन करते हैं, क्या उस रणनीति को पिछले साल नहीं अपनाना चाहिए था? हमारे विदेश मंत्री जी यहां आ गए हैं। मैं वो बात फिर दोबारा से दोहराना चाहता हूं कि इस बात पे विचार करने की जरूरत है कि क्या अपने लोगों की कीमत के ऊपर ये जो वैक्सीन डिप्लोमेसी की जा रही है कि यहां पे कुल 0.047% लोगों को टीकाकरण हुआ है और दूसरी तरफ आप 5,74,00,000 डोजेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कितनी संजीदगी है इस प्रक्रिया में, इस नीति में, इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। मैं तीसरे विषय पे आता हूं अध्यक्ष जी, और वो है लॉकडाउन का विषय। मुझे याद है कि यही दिन थे पिछले वर्ष जब कोरोना वायरस की महामारी बढ़ रही थी, जिस दिन जनता कर्फ्यू लगाया गया, शायद 23 मार्च 2020 का दिन था, उस दिन भारत में 381 केस थे और 7 लोगों की मृत्यु हुई थी। और आज भारत में 1,13,00,000 केस हैं और 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि हमारा जो मृत्यु दर है वो देश के विदेशों के कई मुल्कों से बहुत नीचे है। और इसलिए अध्यक्ष जी, एक बहुत ही संजीदा सवाल पैदा होता है कि क्या इतना व्यापक लॉकडाउन करने की जरूरत थी? क्या जो माइक्रो कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज है, जिनको आज इस्तेमाल किया जा रहा है कि अगर कहीं पे COVID-19 का वायरस बढ़ता है तो वहां पे आप लॉकडाउन करते हैं, क्या उस रणनीति को पिछले साल नहीं अपनाना चाहिए था? क्योंकि वास्तविकता यह है कि लॉकडाउन लगने के 4 दिन बाद ही लॉकडाउन टूट गया और करोड़ों लोग, करोड़ों मजदूर पैदल चलकर अपने घर गए और उस दौरान 81,385 रोड एक्सीडेंट हुए, 29,415 लोग हमारी सड़कों पे मारे गए। और ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये आंकड़े सरकार ने एक प्रश्न के जवाब में लोकसभा को दिए हैं। और इसके साथ साथ उस दौरान हमने एक बहुत ही विचित्र और अद्भुत परिस्थिति देखी कि 24 अप्रैल 2020 को सरकार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें यह कहा जाता है कि 16 मई 2020 तक जो COVID-19 के केसेस हैं वो शून्य पर आ जाएंगे, COVID-19 केसेस विल कम डाउन टू जीरो बाय द 16th of May 2020। दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट क्लेम इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन द 24th of April 2020। और मार्च 13 2021 को एक दिन में 24,482 केस आए। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं सरकार के ऊपर कोई दोषारोपण करना चाहता हूं। मैं इस बात को मानता हूं कि एक बहुत तेजी से बदलती हुई परिस्थिति थी, पर आज एक साल बाद जब हमारे पास इस बात का अनुभव है तो इस बात पे दोबारा विचार करने की और गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि क्या जो रणनीति अपनाई गई थी पिछले मार्च 2020 में, क्या उसकी जगह कोई ऐसी रणनीति नहीं अपनाई जा सकती थी जो उससे कम संकीर्ण हो? और इसीलिए मैं कहता हूं कि द आयरनी ऑफ द पास्ट 1 ईयर हैज बीन दैट इकोनॉमिस्ट बिकेम एपिडेमोलॉजिस्ट एंड एपिडेमोलॉजिस्ट बिकेम इकोनॉमिस्ट, व्हाइल द लैटर द फॉर्मर कुड नॉट फ्लैटन द कर्व, द लैटर फ्लैटन्ड द इंडियन इकोनॉमी। और इसीलिए जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसका आज वृद्धि दर -7.7% है। इसके ऊपर एक गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।
मैं अगले विषय पे आता हूं अध्यक्ष जी, कि इस महावैश्विक महामारी से लड़ने के लिए हमारे पास जो कानूनी ढांचा है वो कानूनी ढांचा किस प्रकार का है। जब ये वैश्विक महामारी शुरू हुई तो हमारे पास एक एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट था, वो एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 में बना था। तो एक 1897 के कानून से जो 4 सेक्शन का और 1 पेज का कानून है उससे हमने ये लड़ाई लड़नी शुरू हुई। उसके साथ हमारे पास वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, और इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो इसकी धारा 2D है उसमें एपिडेमिक को डिफाइन भी नहीं किया गया, और जिन धाराओं के प्रति की मदद लेकर सेक्शन 6(2)(i) और सेक्शन 10(2)(i) ये सारी लॉकडाउन की नोटिफिकेशंस केंद्र सरकार ने इशू की, वो कोई सब्सटेंटिव प्रोविजंस नहीं है, वो कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप बाकी मुल्कों से तुलना करें, जैसे कनाडा में इमरजेंसी एक्ट है 1988 का, इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट है 2007 का, ऑस्ट्रेलिया में नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी एक्ट है 2007 का, नेशनल सिक्योरिटी हेल्थ अरेंजमेंट है 2008 का, नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी रेगुलेशंस है 2008 की, इंग्लैंड में पब्लिक हेल्थ कंट्रोल ऑफ डिजीजेस एक्ट है 1984 का, कोरोना वायरस एक्ट है 2020 का, यूएसए में पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एक्ट है 1994 का। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इस सदन की सबसे बड़ी जिम्मेवारी यह है कि हम देश के लिए कानून बनाते हैं, इसीलिए हमको चुनकर इस सदन में भेजा जाता है। और मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि पिछले 1 साल के अनुभव को संज्ञान में लेते हुए ये समय आ गया है कि आप एक होलिस्टिक लेजिस्लेशन, एक व्यापक कानून लेके आइए ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए। और ऐसा नहीं है कि आपने कानून बनाया नहीं था, आपने 2017 में पब्लिक हेल्थ प्रिवेंशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ एपिडेमिक्स, बायो टेरर एंड डिजास्टर्स बिल, ये नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने इकट्ठे मिलकर तैयार किया था। मैं मंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो कानून है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग भी डिफाइन की गई थी, जिसमें क्वारंटीन भी डिफाइन किया गया था, जिसमें पैंडेमिक भी डिफाइन किया गया था, ये अभी तक आपकी सरकार ने पारित क्यों नहीं किया? मुझे लगता है कि इस सदन को इस बात का जवाब सरकार से मांगना चाहिए। मैं अगले विषय पे आता हूं अध्यक्ष जी, ये बात बिल्कुल सही है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन्होंने बहुत दलेरी से काम किया, और उनको इस बात के लिए जितनी शाबाश हम दें, जितनी उनकी सराहना करें उतनी कम है। पर उसके साथ साथ इसका एक दूसरा पहलू, और वो दूसरा पहलू ये है कि उसी दौरान हमने वो खबरें भी देखी कि निजी क्षेत्र के जो अस्पताल थे उन्होंने किस तरह से जो COVID-19 के पेशेंट्स हैं उनको ओवरचार्ज किया। ऐसी वैश्विक महामारी के समय जब पूरा देश, पूरी दुनिया इससे जूझ रही हो, इस तरह की मुनाफाखोरी, इस तरह की प्रॉफिटेयरिंग, ये एक अपराध नहीं एक पाप है, और इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि क्योंकि 70% इस देश की जनता आज भी प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पर डिपेंड करती है, और अगर आंकड़ों के अनुसार अगर किसी के घर में कोई ऐसी हेल्थ इमरजेंसी हो जाए, कोई सेहत से जुड़ी आपदा आ जाए, तो 55% जो हमारी जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के नीचे चली जाती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप जो सरकारी एलोपैथिक डॉक्टर हैं उनका रेशियो देखो तो 11,268 पेशेंट्स के लिए एक डॉक्टर है, आपके एक सरकारी अस्पताल में एक बेड है 1,843 लोगों के लिए, और इसलिए एक प्राइवेट हेल्थ केयर का इस देश में एक अपना स्थान है, पर उसको रेगुलेट करने की जरूरत है। मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि आप तुरंत
एक कानून लेके आइए, एक हेल्थ रेगुलेटर अपॉइंट कीजिए जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में जो चिकित्सा सेवाएं हैं उनको रेगुलेट करे, ये मेरी आपसे मांग है। मैं अब अगले विषय के ऊपर आता हूं कि भारत का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। अगर आप भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने संज्ञान में लें तो सबसे नीचे है सब सेंटर। हमारे देश में 1,60,713 सब सेंटर है, उसके ऊपर है प्राइमरी हेल्थ सेंटर 30,045 प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उसके ऊपर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स 5,685 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, 1,234 सब डिविजनल हॉस्पिटल हैं, 756 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं और 240 मेडिकल कॉलेजेस हैं। यहाँ पे इस सदन में जितने सांसद बैठे हैं, चाहे वो किसी दल से तल्लक रखते हो, वो इस बात को मानेंगे कि सबसे निचले स्तर के ऊपर जो हमारी चिकित्सा सेवाओं की परिस्थिति है वो जर्जर है। और इसीलिए बहुत सारे सांसद जो अपनी सांसद निधि थी जिसको सरकार ने बंद कर दिया, वो इस चीज के ऊपर इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑग्यूमेंट करने के लिए खर्च करते थे। मेरे अनुमान के अनुसार, और मैं सेहत मंत्री को वो आंकड़े दे भी सकता हूं, मैंने एक इसके ऊपर लेख लिखा था, भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को चुस्त दुरुस्त करने के लिए 6,00,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। और ये मैं मानता हूं कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी अकेली नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य राज्यों का विषय भी है, पर मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि राज्य सरकारों से मिलकर आप एक पुख्ता नीति तैयार कीजिए, एक 5 वर्षीय योजना तैयार कीजिए, जिससे ये जो हमारा मूलभूत ढांचा है जो हमारे गरीब लोगों को चिकित्सा सेवाएं देता है उसको हम चुस्त दुरुस्त कर सके। क्योंकि इस बजट में जो आपने प्रावधान किया है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, जिसके तहत आपने 64,180 करोड़ 6 वर्ष में खर्च करने की पेशकश की है, उससे काम नहीं चलने वाला। इसके ऊपर एक बहुत व्यापक रणनीति राज्य सरकारों के साथ मिलकर आपको तैयार करनी पड़ेगी। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.